नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कल जो आपने पिछले क्लास में पढ़ा था बाग लगाने की जो योजना थी उनके बारे में अपने पढ़ा था, है ना। योजना के बाद में नेक्स्ट जो अपना पार्ट आता है वो है लेआउट ऑफ ऑर्चार्ड। ऑर्चार्ड का लेआउट अपन किस प्रकार से तैयार करते हैं और किस किस बात का अपन ध्यान में रखते हैं और कौन कौन सी लेआउट लगाने की विधियां हैं, इन सब के बारे में अपन आज डिटेल से डिस्कस करेंगे, है ना। सबसे पहले तो देखो लेआउट कैसे तैयार करते हैं, इसको हिंदी में बोला जाता है बाग लगाने की जो बाग का रेखांकन है वो हिंदी में कहते हैं बाग का रेखांकन, है ना। रेखांकन किस प्रकार से किया जाता है, यानी कि जो कोई भी बाग है उसको सबसे पहले अपन मैप के ऊपर एक एक कौन सा पौधा कहाँ पर लगेगा इस प्रकार से अपन पहले डिसाइड करके रेखांकन तैयार करते हैं। उसके बाद में उसको फील्ड में अप्लाई करते हैं, खेत में भी अपन इस प्रकार से निशान लगा लेते हैं कि कौन सा पौधा कहाँ पर लगना है और वहां पर गड्ढे खोद करके तैयार करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो जो रेखांकन है या लेआउट करते समय अपने को किस बात का ध्यान रखना चाहिए। देखो कोई सी भी अपने जमीन है, जैसे एक एकड़ बाग लगा रहे हैं तो उस जमीन को, जितनी अपनी जमीन है उसको एक एक एकड़ में अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। जैसे चार एकड़ है तो उसको एक एक एकड़ के चार भागों में बांट लेंगे, ठीक है। इसके बाद में इसमें देखो सबसे पहले अपने को ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट बात है कि फर्स्ट पौधा है वो अपन कहाँ पर लगाएं और बेस लाइन कैसे तैयार करें। देखो जो बाग में मान लेते हैं कि भाई अपन कोई पौधा लगा रहे हैं उसकी आपसी डिस्टेंस है वो 10x10 मीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को जो फर्स्ट पौधा है वो जो पौधरोपण की दूरी है उसकी आधी दूरी पर लगाना चाहिए, यानी कि पौधरोपण की दूरी अपनी कितनी है 10x10 मीटर है और इसकी आधी दूरी कितनी हो गई 5 मीटर, है ना। तो पहला पौधा जो लगाते हैं वो अपनी बाउंड्री लाइन से 5 मीटर दूरी छोड़कर लगाते हैं। देखो यहाँ से 5 मीटर अपने छोड़ दिया और यहाँ से 5 मीटर छोड़ दिया, यहाँ पर फर्स्ट पौधा लगा दिया, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ से अपने 5 मीटर छोड़ दिया और 5 मीटर इधर से जुड़ गया, यहाँ पर फर्स्ट पौधा लगाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर 5 मीटर छोड़ दिया और यहाँ पर 5 मीटर छोड़ दिया, इस प्रकार से अपने ये एक जो दीवार है बाउंड्री लाइन है उस बाउंड्री लाइन से 5-5 मीटर अपन छोड़ करके इस प्रकार से पौधे लगा देते हैं। ये देखो 5 मीटर अपन क्यों छोड़ते हैं, देखो जो पौधे के 10x10 मीटर दूरी है, जैसे ये दो पौधा है, ठीक है। अब अपने यहाँ पर 10x10 मीटर की दूरी पर लगा रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि एक पौधे को फैलने के लिए अपन 5 मीटर दूरी दे रहे हैं ना। जैसे ये 5 मीटर में फैलेगा और इधर वाला भी 5 मीटर में फैलेगा, ठीक है, इस प्रकार से फैलेगा। तो फर्स्ट पौधा अगर अपने यहाँ पे लगा दिया है ना, यहाँ पे अगर जैसे बाउंड्री के पास में लगाया तो इसका जो कैनोपी है वो बाहर चली जाएगी आधी, तो है ना, इस प्रकार से फैलेगा, 5 मीटर बाहर रह जाएगा 5 मीटर अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ से कोई मेन रास्ता जाता है या किसी पड़ोसी का खेत है तो आधा तो जो अपना प्रोडक्शन है वो पड़ोसी ले जाएगा या फिर कोई रास्ते से आते जाते ले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इससे बचने के लिए अपन क्या करते हैं, 5 मीटर दूरी छोड़ देते हैं ताकि उसकी कैनोपी है वो अपने जो जमीन है उसके अंदर ही रहे, ठीक है। तो ये पौधे इस प्रकार से 5 मीटर दूरी छोड़ करके अपने लगा देते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं, यहाँ पर सिरे वगैरह गाड़ करके बेस लाइन तैयार कर लेते हैं, ठीक है। इसको बेस लाइन या आधार लाइन कहते हैं। देखो जो बाग है पूरा का पूरा उसका सिमेट्रिकल है ना, वो सिमेट्रिकल है इस बेस लाइन के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर बेस लाइन आपकी इतनी ज्यादा जितनी ज्यादा सही होगी उतना ही बाग का रेखांकन आपका सही होगा, सिमेट्रिकल है या जो समानता बोलते हैं वो एकदम सही आएगी, है ना। अब देखो बेस लाइन अपने यहाँ से तैयार कर ली, इसके बाद में अपन क्या करेंगे, 10 मीटर की दूरी पर यहाँ पर एक पौधा लगा देंगे और 10 मीटर दूरी पर एक यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। अब ये जो दोनों लाइन जहां पर मिल रही है वहां पर एक 10 मीटर का पौधा लगा देंगे, ठीक है। अब इन दोनों को जांचने के लिए इसमें अपन क्या करेंगे, करण निकाल लेंगे, ठीक है। करण सही आ रहा है तो पौधे की जगह सही है और यहाँ पर गड्ढा खोद देंगे, इस प्रकार से अपन पूरे बाग में गड्ढे वगैरह खोदते रहेंगे, ठीक है। ये आपके इस प्रकार से गड्ढे खोद लेंगे पूरे पूरे बाग में, ठीक है। अब एक बाग का रेखांकन, सही रेखांकन वही होता है, कोई से भी बाग के अगर अपन कोने में खड़े होकर अगर देखेंगे ना तो पूरे के पूरे पौधे अपने को समान दिखाई देंगे, एक जैसे दिखाई देंगे और ऐसा लगता है कि फर्स्ट पौधा यहाँ से ही लगाया गया, ठीक है।
तो ये तो था आपने बाग लगाने का जो गड्ढे खोदने की विधि है या लेआउट है वो कैसे बनाते हैं, कैसे तैयार किया जाता है। ठीक है, तो इसमें एक चीज ध्यान में रखना, सबसे पहले एक प्रश्न यहाँ से आता है कि भी बाग लगाते समय जो फर्स्ट पौधा है वो कितनी दूरी पर लगाते हैं, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा पौध रोपण की आधी दूरी पर लगाते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इसमें जो आपका पार्ट आता है वो है बाग लगाने की रेखांकन की विधियां, है ना, मेथड्स ऑफ लेआउट, मेथड्स ऑफ लेआउट या रेखांकन की विधियां। रेखांकन की विधियां, अब देखो अपने लेआउट तैयार कर लिया, उसके बाद में अपनी जिस प्रकार से जमीन है उसके अकॉर्डिंग अपने को रेखांकन करना पड़ता है कि वह भी आप किस विधि से पौधे लगाएंगे। ठीक है, और रेखांकन की विधियों में आपके चार पांच विधियां प्रमुखतः अपनाई जाती है, जैसे वर्गाकार विधि हो गई, आयताकार विधि हो गई, त्रिभुजाकार विधि हो गई, इसके अलावा पंचभुजाकार विधि हो गई, षटभुजाकार विधि हो गई, समोच्च खेती समोच्च विधि हो गई। ठीक है, तो ये कुछ विधियां हैं जो अपन अपनाते हैं। तो सबसे पहले अपन वन बाई वन इनका डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले आपकी विधि है वर्गाकार विधि, वर्गाकार विधि। देखो वर्गाकार विधि क्या होती है, पौधे लगाने की या बाग लगाने की सबसे सिंपल विधि होती है और सबसे अधिक प्रचलित विधि है। इसमें चार पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं। ठीक है, देखो किस प्रकार से, इस प्रकार से आपकी जैसे आपने लाइन बना रखी है ना, तो इसमें फर्स्ट पौधा आपने यहाँ पे लगाया, सेकंड यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, थर्ड यहाँ पे लगा दिया और फोर्थ यहाँ पे लगा दिया। इसके बाद में जो आगे वाला पौधा है वो यहाँ पे लगाएंगे। इस प्रकार से चार जो पौधे है वो मिल करके एक है वर्ग का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये जो पौधे हैं वो चार पौधे मिलकर के क्या हुआ, एक है वर्ग का निर्माण करते हैं। ठीक है, बाकी इसमें से इस प्रकार से आपके नेक्स्ट और आगे पौधे हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से पूरे के पूरे बाग में अपन पौधे लगाते जाएंगे। ठीक है, जहां पर ये कट आ रहा है वहां पर पौधे लगा देंगे, है ना। अब देखो वर्गाकार विधि से प्रश्न है वो किस प्रकार से आते हैं, ये पौधे लगाने की जो तरीका है वो, तो चलो ठीक है, अपने को ज्यादा फोकस कौन सा किस पे करना है, जो प्रश्न आते हैं वहां पर अपने को फोकस करना है। तो देखो एक तो इसमें से प्रश्न आता है कि बाग लगाने की सबसे सिंपल विधि कौन सी है, तो ये आपकी वर्गाकार विधि हो जाएगी। दूसरा प्रश्न आता है कि बाग लगाने की सबसे प्रचलित विधि कौन सी है, तो ये प्रचलित सबसे प्रचलित विधि है। ठीक है, और इसके बाद में कौन सी ऐसी विधि है जिसमें सर्वाधिक जो उद्याने की क्रियाएं करना आसान रहता है, तो उद्याने की क्रियाएं इंटरकल्चर जो ऑपरेशन है वो इस विधि में अपन आसानी से कर सकते हैं, तो ये आपकी वर्गाकार विधि होगी। ठीक है, ये कुछ दो तीन प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट वर्गाकार विधि से बनते हैं। इसमें देखो जो इंटरकल्चर ऑपरेशन को ट्रैक्टर वगैरह चला रहे हैं, तो यहाँ से आसानी से अपन कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई आपने दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो उद्याने की क्रियाएं इसमें आसानी से की जा सकती है, सबसे प्रचलित विधि है और जो है सबसे आसान विधि है। ठीक है, दूसरी विधि इसमें आती है आयताकार विधि, आयताकार विधि। देखो इतनी ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, ना इनसे इतने ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। आयताकार विधि क्या होती है, इसे वर्गाकार विधि के समान ही होती है, लेकिन इसमें जो आयताकार विधि में क्या होता है, पौधे से पौधे की दूरी है और लाइन से लाइन की दूरी बराबर रहती है। इसमें पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी में थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है। चार पौधे मिलकर के एक आयत का निर्माण करता है। वर्गाकार विधि में चार पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण कर रहे थे, इसमें आयत का निर्माण करते हैं। ठीक है, बाकी ये विधि है वो ज्यादा प्रचलित नहीं है, तो इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आपके पुटअप होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, बाकी इस प्रकार से जो अपन चार पौधे मिलकर के ये वर्त का आयत का निर्माण हो रहा है, ये विधि ज्यादातर जैसे अपन कोई पौधा लगाते हैं हाँ, तो 8x6 मीटर दूरी पर लगाना होता है या 10x8 मीटर दूरी पर लगाना होता है, तो वहां पर ये आयताकार विधि अपनाते हैं। ठीक है ना, पौधे को फैलने की जगह ज्यादा दी जाती है, इसमें और कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तीसरी जो विधि है इसमें आपके, तीसरी विधि है त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार विधि या फिर रेक्टेंगुलर विधि इसको बोला जाता है। त्रिभुजाकार विधि में क्या होता है, तीन पौधे मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। जैसे ये आपके पौधे हो गए,
ठीक है, ये आपकी लाइन होगी। इसमें जो आपके पौधे है वो इस प्रकार से लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर अपने इसमें पौधे लगा दिए, तो इसमें जो ये तीन पौधे हैं वो मिलकर के एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से जो तीन पौधे हैं वो एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। देखो ये आपकी एक त्रिभुज हो गया, ये एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। ठीक है, इस प्रकार से तीन पौधे मिलकर के आगे भी इस प्रकार से, जैसे ये त्रिभुज हो गया, इस प्रकार से ये त्रिभुज हो गया, इस प्रकार से ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, तीन पौधे मिलकर के क्या करते हैं, एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। इसमें से देखो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। एक तो ये विधि वहां पर अपनाई जाती है जहां पर खेत है, वो खेत के बीच में से या कोई रास्ता वगैरह जाता है, या खेत बिल्कुल अपना समान नहीं हो, ठीक है ना, जैसे जमीन जो समतल नहीं होती है, थोड़ी बहुत तिरछी वगैरह होती है, या फिर जो जमीन है जमीन के बीच में से कोई रास्ता निकल रहा है तो खेत में, वहां पर ये विधि अपनाई जाती है। ठीक है, इसको जिग जेग मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो प्लांट है वो जिग जेग तरीके से चलते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे लगाया है ना, इस प्रकार से ये जिग जेग विधि होगी। ठीक है, इस प्रकार से चलते हैं तो इसको जिग जेग विधि भी कहते हैं। ठीक है, पहली लाइन में जो पौधे लगाते हैं, दूसरी लाइन में दो पौधों के बीच में आधी दूरी पर लगाते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें से आपके क्वेश्चन में ज्यादातर यही पूछा जाता है कि जहां पर बीच में से रास्ते निकलते हैं वहां पर कौन सी विधि अपनाई जाती है, त्रिभुजाकार विधि या ट्रायंगुलर विधि। ठीक है, और दूसरा इसमें से ये प्रश्न आपके पूछा जाता है कि जिगजैग विधि किसको कहते हैं, तो जो त्रिभुजाकार विधि होती है उसी को जिगजैग विधि भी कहा जाता है। चौथी विधि है पंचभुजाकार। पंचभुजाकार विधि या इसको पूरक विधि भी बोलते हैं, पूरक विधि, या फिर इसको क्विनेक्स विधि भी बोल सकते हैं, या फिर इसको फिलर विधि भी कह सकते हैं, फिलर विधि। ठीक है, एक ही बात है। अब देखो पंचभुजाकार विधि क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट विधि है, यहाँ से ज्यादा प्रश्न आपके आने के चांसेस रहते हैं। पंचभुजाकार विधि एकदम वर्गाकार विधि के समान ही है, जैसे अपने ये विधि देखी थी। ठीक है ना, तो ये जो वर्गाकार विधि है इसके सेम टू सेम इसकी जैसी है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, बीच में एक पौधा लगा देते हैं। ठीक है, और जो बीच में एक पौधा लगाते हैं उसको क्या कहा जाता है, पूरक पौधा कहते हैं, इसीलिए उसको पूरक विधि भी बोल देते हैं। पूरक को फिलर प्लांट भी कहते हैं, तो इसीलिए इसको फिलर विधि भी कहा जाता है। ठीक है, सेम टू सेम आपके जो वर्गाकार विधि है उसी की तरह रहते हैं, लेकिन इसमें एक बीच में पौधा लगा देते हैं। इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है कृषि क्रियाएं करने की, जो आपकी उद्यानिकी क्रियाएं हैं, इंटरकल्चर ऑपरेशन है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि एक पौधा बीच में आ जाता है। ठीक है, और ये पौधा अपने बीच में क्यों लगाते हैं, जो बाग है वो अपने 4-5 साल तक तो देखो किसी प्रकार का कोई प्रोडक्शन देने वाला नहीं होता है। 4-5 साल प्रोडक्शन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, अपने एक्स्ट्रा जो जल्दी फलन देने वाले पौधे हैं वो बीच में लगा देते हैं, और उसको क्या बोला जाता है, फिलर प्लांट या पूरक पौधा। अब देखो इसमें से आपके क्वेश्चन है वो पूछ लेते हैं कि भाई पूरक पौधा है वो कौन सा सर्वोत्तम है ना, तो सर्वोत्तम पूरक पौधा कौन सा हो गया, पपीता है वो सर्वोत्तम है। ठीक है, इसके बाद में आपसे पूछ ले कि भाई शुष्क खेती या शुष्क क्षेत्र में पिलर प्लांट के लिए कौन सा पौधा है वो सर्वोत्तम है। शुष्क क्षेत्र के लिए कौन सा हो गया, फालसा है वो शुष्क क्षेत्र के लिए हो गया। ठीक है, इसके अलावा और पूछ ले कि भाई पिलर प्लांट में कौन कौन से पौधे लगा सकते हैं, तो पपीता हो गया, फालसा हो गया, इसके अलावा अनानास हो गया, अनानास हो गया और केला हो गया। ठीक है, यानी कि जिसकी आपसी डिस्टेंस, यानी कि जो आपके उनके जो पौधों का साइज है वो कम होता है, जैसे 3x3 मीटर की दूरी पर लगाते हैं वो पौधे ज्यादातर फिलर प्लांट के रूप में लगाते हैं। ठीक है, जब मेन पौधे की अपने प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है तब अपन क्या करते हैं, फिलर पौधे को हटा देते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आपकी जो विधि है वो है षटभुजाकार। षटभुजाकार विधि या फिर इसको बोलते हैं हेक्सागोनल विधि, हेक्सागोनल विधि। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं जो आपके समत्रिभुज विधि है ना,
इसमें क्या होता है जो त्रिभुजाकार विधि है ना, सेम टू सेम इसी की तरह ही है। इसमें देखो लाइनों का डिस्टेंस रहता है, इसमें लाइन एक्स्ट्रा रहती है, बीच में से अगर अपन लाइन हटा देते हैं तो सेम टू सेम ये किसकी तरह हो जाएगी, त्रिभुजाकार विधि की तरह ही हो जाएगी। ठीक है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन आपके जो किताबें हैं उनमें अलग अलग दे रखा है। इसमें अगर अपने ये लाइन हटा देते हैं, देखो यहाँ से हटा दिया तो ये क्या हो गया, एक त्रिभुज हो गया ना, समत्रिभुज हो गया। ठीक है, इस प्रकार से देखो ये एक त्रिभुज हो गया और एक है ये समत्रिभुज हो गया ना, दो समान आमने सामने जो त्रिभुज बनते हैं उनको समत्रिभुज कहते हैं, या इसी को षटभुजाकार या हेक्सागोनल कहते हैं। षटभुजाकार कैसे हुआ, देखो ये अपने लाइन हटा दी। ठीक है, तो लाइन हटाने के बाद में ये जो छह पौधे हैं वो मिलकर एक षटभुजा का निर्माण करते हैं और बीच में एक पौधा एक्स्ट्रा लगा देते हैं। ठीक है, तो त्रिभुजाकार विधि का एक मॉडिफाइड रूप है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, बीच में से लाइन लाइन हटाइए, आपने और कुछ नहीं किया ना। तो षटभुजाकार विधि से आपके प्रश्न ऐसे आते हैं कि भाई ऐसी कौन सी विधि है जो सर्वाधिक शहर के आसपास या महंगी भूमियों में लगाई जाती है, तो वो आपकी षटभुजाकार विधि हो गई। एक इसमें ध्यान में रखना, एक प्रश्न हो जाता है कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% अधिक पौधे लगाए जाते हैं, या फिर वर्गाकार विधि की अपेक्षा कितने पौधे अधिक लगाए जाते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा 15%। ठीक है, एक इसमें थोड़ा सा देख लेना, ये जो पंचभुजाकार विधि है इसमें भी जो पौधे है वर्गाकार विधि की अपेक्षा लगभग डबल लगाए जाते हैं, लगभग दो गुने लगाए जाते हैं, और जो आपके षटभुजाकार विधि है इसमें लगभग 15% अधिक पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है, और ज्यादा इसमें से ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट विधि की बात करें तो नेक्स्ट इसमें आपकी आ जाएगी 6 नंबर समोच्च, समोच्च विधि, या फिर इसको बोलते हैं कंटूर विधि। ठीक है, अब समोच्च विधि या कंटूर विधि क्या होती है, ये अधिकतर जहां पर ढलानदार खेती होती है वहां पर अपनाई जाती है, यानी कि जहां पहाड़ी क्षेत्र होता है वहां पर ये विधि अपनाई जाती है। देखो इस प्रकार से कोई पहाड़ी जमीन है, ठीक है, और अब इसमें अपने को क्या करना है, देखो यहाँ पर किसी प्रकार के पौधे तो अपने ऐसे तो लगा नहीं सकते। ठीक है, तो इसको अपने इस प्रकार से काट लेंगे। ठीक है, इसके बाद में जहां जहां ये कट आ रहा है वहां अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा समतल करके और यहाँ पर बीच बीच में अपने पौधे लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ जैसे यहाँ पर पौधा लगा दिया, जितना अपने को स्थान मिल रहा है उतना पौधा लगा देंगे, जरूरी नहीं है कि भाई अपने को स्थान नहीं मिल रहा तो ज्यादा पौधे लगाए। ठीक है, जहां जहां पर अपने को स्थान मिल रहा है वहां वहां पर इस प्रकार से पौधे लगा देते हैं। अब इसमें एक चीज तो इसी ध्यान में रखना, एक प्रश्न इसमें से ऐसे आता है कि भाई ऐसी कौन सी विधि है जो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सर्वोत्तम है, तो वो आपकी कंटूर विधि या समोच्च विधि होगी। दूसरा, अगर 1-10% ये जो ढलान है वो 1-10% तक ढलान है तो इसको क्या बोलेंगे, कंटूर बोलेंगे या समोच्च खेती बोले, समोच्च विधि बोलेंगे। ठीक है, अगर ये ढलान 10-40% ढलान है, 10-40% ढलान है तो इसको टेरेस बोल देंगे। ठीक है, इसीलिए इसको टेरेस विधि भी कहते हैं, टेरेस विधि। अगर 10-40% तक ढलान है तो इसको टेरेस बोल देंगे, और 40% से अधिक अगर ढलान है तो वहां पर खेती अपने नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज थोड़ी सी जान में रखना। तो ये थी अपने बाग लगाने की या रेखांकन की जो विधियां हैं, जैसे इनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनके बारे में अपने जो डिस्कस किया। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें अपन बाग लगाने में कौन कौन से, जैसे अपने रेखांकन कर लिया, रेखांकन के बाद में गड्ढे खोदना, प्लांटिंग, उनका देखभाल किस प्रकार से करते हैं, उन सब का डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।